सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा थर्ड से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, 9952711118929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भुन्ना गांव में, और यहाँ पे आपको एक बेहद ही इंटरेस्टिंग खबर मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको खबर दिखाऊँ उससे पहले ये देखिएगा, गांव के कुछ लोग हैं, इस गली मोहल्ले के रहने वाले लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ महिलाएँ हैं, कुछ पुरुष हैं, और इसके आगे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिएगा, सामने एक मकान बना हुआ है और उसके साथ बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल संकरी गली जो है वो यहाँ पर छोड़ी हुई है, और ये गली भी छोड़ करके एक एहसान किया गया है कि भाईचारे के अंदर ये गली जो है वो छोड़ी जा रही है। दरअसल मामला क्या है कि पहले ये गली हुआ करती थी, ऐसे पूरे गांव को चीर करके बाहर रोड पे निकला करती थी, लेकिन जैसे ही कोई पैमाइश हुई तो वहाँ जो सामने जो मकान दिखाई दे रहा है, उस मकान के मालिक की जगह जो है वो वहाँ तक आ चुकी है। वो जैसे ही जगह आई तो उस मकान के मालिक ने अपनी जगह जो है वो पूरी कवर कर ली, और रास्ते में साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ दी। चलिए, उस मालिक ने अपनी जगह कवर कर ली, लेकिन उसके बाद मैं आपको दूसरी हैरान कर देने वाली तस्वीर क्या है वो दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से ये गली आप देखिएगा, ये गली जो है ये आगे कवर की हुई जो है, ये भी इस मालिक की जो जिसकी जगह है यहाँ तक जगह आती है, और इसने भी कवर कर ली। लेकिन यहाँ एक तरफ तो इसकी जगह जो आती है वो कवर कर ली, लेकिन दूसरी तरफ ये जो पशुओं का एक जगह है, पशुओं का नोरा जिसको बोल सकते हैं देसी भाषा में, बाड़ा जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर है, ये भी उसी ही मालिक का है जिसने ये जगह कवर की है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो गली जो जा रही है वो यहाँ से नहीं है, कागज़ के अंदर गली जो है इससे हट करके उस तरफ है, तो उस तरफ गली है, तो उस तरफ भी उसी मालिक का है और इस तरफ भी एक ही मालिक का है। तो ऐसे में इसने जो अपनी जगह आई वो तो कवर कर ली, लेकिन जो गली की जगह थी उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में ये तमाम जो गाँव के इस गली मोहल्ला के रहने वाले लोग हैं, इन्होंने काफ़ी बार शिकायत दी है प्रशासन को, विभाग को, CM विंडो में लगाई हुई है, लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये दो पशुओं के बाड़े जो हैं, नौरे जिसको बोल सकते हैं हम, ये अगर अपने पशु को बाहर लेकर के जाना चाहते हैं तो इनका जो है वो रास्ता पूरा का पूरा बंद हो चुका है। ऐसे में इनका जो है वो यहाँ से बाहर आना जाना जो है वो मुश्किल है, अगर जाना होता भी है तो एक साइड से गली और है जिससे कि काफ़ी घूम करके इनको जो है वो आना पड़ता है। चलिए बातचीत करते हैं, भाई साहब क्या समस्या आ रही है मुख्य तौर पे? समस्या गली की है जी, ये 2012 से बेदखल हुई हुई है, अभी इसका गौर नहीं हो रही है, तो इसके लिए लगाई सी मिनट अभी कोई आया ही नहीं है यहाँ पर जी। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ शिकायत दी है? हमने जी एक तो DC साहब को दी है, एक CM विंडो दी है। ये क्या है? DC वाली CM विंडो है जी, 2022 को दी जी भाई। अच्छा ठीक है, तो अभी तक कोई समाधान? कोई समाधान नहीं है। नहीं ठीक है, चलिए भाई साहब क्या पूरा मामला बताएंगे आप? क्या मामला जी, पहले तीन गली रुकेगी, ठीक है, बाद में इन्हें रुकी 7 तारीख की, 7 तारीख ने पहला ट्रैक्टर ट्राली लगाया, फिर इसने दीवार गाड़ ली, महाराज सुगाड़ सारा बंद हो गया, ठीक है, ना पशु जोड़ा पर जाए ना मान सके, भोग देखो गोबर बड़े बड़े 4-8 दिना हो, ठीक है जी, फिर मैंने वीडियो कौन गए हो, वीडियो लगाइए हो, बी बाद में कोई गौर कौन करिए अपने सेक्रेटरी साहब कह इसकी लियाओ निशानदेह लियाओ, कल मैंने अलनावाज जाके निशानदेह दे गए हो, वो कह आराम से कर लो, कोई तावल नहीं है उसको, तो आराम से कर ले, हमारा बताओ कहाँ जाएंगे हम, ठीक है, इतनी बात है अपनी, बस गली खुल जाए, यहाँ हमारा प्लाट पूरा है, वहाँ गली है, बस गली खुल जाए, आपने किए कर गए, बस या समझिए हाँ गली निकल, अगर यहाँ से वो तो मकान टूटेगा फिर, गली टूटेगी क्या लिहाज, तो ये कब्जा पूरा कर लिया आपने प्लाट, तो वहाँ खोल दिया, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, ये खोल दे या वो खोल दे, यो तो जी प्लाट में, यो तो फिर दोबारा हो जाएगी, तो ये तो जी करे तो ट्रैक्टर डालेगा, एक बार पंचायत खुलवाई दे, अमान तैयार रजिस्टर भी आ जाए तो फिर दोबारा डालेगा, फिर आयुष मशा बंद में रहेगी, इन्हों है जटे खोल दो, जहाँ सरकारी गली है वहाँ खोल दो, क्या दिक्कत है। आपने कहाँ शिकायत कर रखी है जी, ये क्या कागज ले रखा है आपने? मैंने कुछ नहीं, मेरे तो वो मकान है। अच्छा, वो सामने वाला मकान आपका है? अच्छा। ये 2002 में इनको लोगों को बेदखल किया था। अच्छा। और बाद में
मेरी जगह आई मैंने कवर कर ली। ठीक है। पहले पंचायत की तरफ फैसलो भी हो, ये गली बनाई गई भी पक्की भी बनाई। हाँ, उसके बाद में किया इन्होंने कहे ना आपको पैसे देंगे ना कुछ नहीं देंगे, मैंने वो बंद कर दिया। अच्छा, मकान भी बना ले। हाँ। मकान भी बना ली। फिर मैं आप मेंबर बना, पंचायत मेंबर था, इससे पिछले पिछले प्लान में था। अच्छा। मेरे लेखराम सरपंच भी था, उस टाइम खुलाना था तो इन लोगों माने नहीं, भी हम नहीं खुलाना चाहते। ठीक है। नहीं खुलाना तो आपके रोला पड़ेगा, हमें तो है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये आपने कवर कब किया था, मकान कब बनाया था? ये 2005 में। 2005 में। अच्छा, यानी कि आपका मुद्दा तो काफी पुराना, आपने तो काफी पहले ये। हाँ, कवर कर 2002 में बेदखल हुआ, उसके बाद में मैंने रोकी एक बार, दीवार कच्ची निकाली, निकालने के बाद में कोई समाधान हो जाए कि मकान ना टूटे, 16-17 आदमी है इसके, 311 नंबर आइए। तो ये गली कहाँ से है फिर? ये गली तो आगे है इसके। अच्छा, इसके आगे है। हाँ, ये जो 289 नंबर प्लाट है, खेत है कटा हुआ, इसके आगे लाल डोरे का जगह है, 311 नंबर, गांव की तरफ घूमके जाती है बार बार। नहीं तो गली कागज में यहाँ से कटी हुई है, बिल्कुल नक्शे में, जी नक्शे में ये पेमाइश है। इसके बाद में पिछले प्लान में ये पेमाइश हुई गांव की, किसी ने वो आरटीआई मांगी थी सूचना तहत कितने लोग कब्जे में, तो पंचायत ने दी थी। और उसके बाद 2002 की भी पेमाइश है, वो भी ना उसके आधार पर इनको बेदखल किया। अच्छा। बेदखल किया मैंने, मेरी 4 मरला जगह थी वो रोक ली। आपने रोक ली। हाँ। ठीक है। अब गली निकलवाना पंचायत का काम है, विभाग का काम। पंचायत करवाओ ना गली निकलवाओ, एक आदमी का कोई गली निकलवाएगा तो वो कहते हैं दूसरा रोक रहा है, उसकी तुड़वा, मेरे अकेले क्यों तुड़ा रहा है? कोई नहीं, यहाँ फोन आता है, मैं तो सुना है सरपंच का वो लड़का है सतपाल, वो बोल रहा है, सेक्रेटरी बोल रहा है, फैसलो करा, क्यों लड़ाई हो रही है यहाँ, क्या झगड़ा हो रही है? निकलना इन लोगों को, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, गाड़ा लेके कहाँ से जाएंगे बताओ। अंकल जी, कितनी समस्या होती है आपको? समस्या सारी हो गए तो फिर लोगों ने, अब देख लो ये घर बाहर कौन निकल सके बताओ, इससे ज्यादा कि मेरे तो आपका है, हम तो तैयार हैं छोड़ने के लिए आगे। अच्छा, इसी गली आपके, आपके मकान, आपका मकान गली में है? हाँ। अच्छा, वहाँ है गली में। ठीक है। हाँ, हम तो तैयार हैं, और कुछ मेरा पड़ोसी है उसने तोड़ भी रखे, चलो वो बात दिखाऊं। तोड़ भी रखे। हाँ, ठीक है। यानी कि एक ये नहीं, नहीं 5-4 घर इसमें बीच में है, दो इधर रह जाएंगे, एक ये दो ये रह जाएंगे, 15-16 घर है इस गली में। ठीक है। 2-4 आदमी तो छोड़ दिया जिन्होंने कब्जा भी हटा लिया जैसे। चलिए, आपको किस तरह की समस्या आ रही है जी? आपका घर कहाँ है? आपका सामने वाला समस्या है हमारी, तो विमान तो गली चाहिए, लिरला का भी आदमी तोड़ के गली जाओ, ठेठू गली निकलनी चाहिए, और ठेठू कटाओ आ गली खोली रहे। अच्छा। अब बंद होगी नहीं, इन बंद होगी नहीं, बंद होगी। अब एक जावा गठा है गोबर कुटल जावा गठा है, अब बड़ा रह गया दूर किलपस जावा, मैं तो मार तो सील हो रही है। देखो जी, मैं तो आ गली निकले तो मैं बारह निकला, कट्ठे ही कौन जान जी। अब देखो मकान बनाया है तो किन्नी जान, अब अड़ंगुल जानने जगह कौन की लिपस लिया बताओ। आ समस्या है, आ गली निकल जाए तो समस्या हल हो जाए हमारी। मकान में चीज लिया जी, लोगों का मकान तोड़ गए फिर घरे सर गेरा। अच्छा, मानन टप्पण को नहीं, कट्ठे ही जगह, कटी जगह को नहीं है, आगे चलो देखो एकर गर्गो हाल देख लियो, पानी आवे तो सारो मेरा घर में जाए, ना जाए तो देख लियो कि टपावा पानी। अच्छा अच्छा जी, तुम माने गली चाहिए। ठीक, बात आए। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे गली की समस्या को लेकर के काफ़ी परेशान है इस गली के लोग, यहाँ के लोग। चलिए, एक महिला और है जिनका यहाँ पे नोरा है, उनसे बातचीत करते हैं। आपको किस तरह की समस्या आ रही है? वो समस्या है भाई जी हमारे, हम तो इधर गली थी निकली हुई तभी हमारी समस्या थी, रोज हमारे साथ लड़ाई करते थे, और इधर भी है तो पानी आता है फिर भी हमारे साथ समस्या आती है। इनके भी बेचारे के ये भी सच कहते हैं, अभी हमारे घर में पानी आता है तभी आप पानी बंद करो, हमारे पशु भी हम जोड़े पर नहीं जा सकते, तो हम बताओ किस तरफ जाएंगे, किस तरफ लेकर जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा समस्या है, हमको हमारी गली निकलनी चाहिए, जरूर निकलनी चाहिए हमारी गली। गली निकलवाने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है, ऐसा नहीं है कि विभाग को शिकायत नहीं दी है, विभाग को शिकायत दे करके काफ़ी बार चक्कर लगा चुके हैं, शिकायतें शायद कहीं ना कहीं किसी डस्टबिन में धूल फांक रही होंगी। 2002 से ये मामला बता रहे हैं कि लगातार जो है वो ये चर्चा में आया था, लेकिन बीच में पंचायतों के आपसी सहयोग से पंचायती तौर पर कुछ न कुछ समस्या का समाधान करवा दिया जाता, लेकिन उसके बाद अब जा करके नौबत ये आफत ये तब आई जब दोनों साइड
से गलियां जो है वो बंद हो गई। इस तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये 2012 के अंदर बता रहे हैं कि बंद कर ली थी, लेकिन अब जो है 10 साल बाद जाकर के इस तरफ से जब ये गली बंद हुई है तब जाकर के लोगों को दिक्कतों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोगों का प्रशासन से अनुरोध है, मांग है कि जो इनकी गली है, एक्चुअल में जिस जगह पर गली है वो गली जो है वो निकलवाई जानी चाहिए। और यहाँ पर खास करके एक घर की बात करूँ तो एक घर ने गली पे भी कब्जा कर रखा है और अपनी जो जगह है वो भी छोड़ने को राजी नहीं है। जब अपनी जगह आई है तो उस जगह दीवार खड़ी कर ली तो जो गली की जगह है उसको तो कम से कम छोड़ना चाहिए। अगर गली की जगह पे आपने कब्जा कर रखा है तो जो पहले जिस तरह से सिस्टम चल रहा था उसी तरह से लोगों को निकलने के लिए कम से कम रास्ता तो देना चाहिए। खैर, आगे आने वाले समय में विभाग और प्रशासन जो है इस पर क्या कार्रवाई करता है, किस तरह से इस मसले का समाधान करता है, या फिर पिछले 20 सालों की तरह ये आने वाले समय में भी इनकी एप्लीकेशनें जो वो धूल फांकती हुई नज़र आएंगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।